अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन, किसी चीज को बचाना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना। देखिए बायोडाइवर्सिटी का, जैसे हमने बात की कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि ये जो जितने भी डिफरेंट वैरायटीज हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इनको अब हमने बचाना है। क्यों? इनको कोई खतरा है? सबसे पहली चीज तो ये कि इनको क्या खतरा है, हमने इनको प्रोटेक्ट कैसे करना है और क्यों करना है। ठीक है, आप इनको प्रोटेक्ट करने पर क्यों, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है कि आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ रही है। देखिए ये जो स्टडी होती है, कंजर्वेशनल बायोलॉजी कहते हैं इसे, कंजर्वेशन बायोलॉजी, यानी आप उन चीजों को के बारे में पढ़ते हो कि आप इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे बचा सकते हो, या इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस चीज से खतरा है कि आपने इनको बचाना है। सो इस फील्ड को कहते हैं कंजर्वेशन बायोलॉजी। इसमें मुख्तलिफ तरह के नॉलेज को इकट्ठा करके, फॉरेस्ट्री को, जूलॉजी को, एनिमल स्टडीज को, एनवायरमेंटल स्टडीज को इकट्ठा करके आप एक जो है कंजर्वेशन बायोलॉजी को डिस्कस करते हो, इनको पढ़ते हो कि अपने इन्वायरमेंट को आप कैसे बचा सकते हो। अ स्पीशीज ऑफ प्लांट और एनी ऑफ एनिमल और एनिमल दैट नो लॉन्गर लिव्स ऑन अर्थ इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट। ऐसा है कि फर्ज कीजिए कोई प्लांट था या कोई एनिमल था, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ ना, डायनासोर। अब क्या डायनासोर आज आपको मिलते हैं? एक जमाना था जब डायनासोर हुआ करते थे, आज तो नहीं है। तो कोई भी ऐसा प्लांट हो, कोई भी ऐसा एनिमल हो जो आज आपको न मिले, जो खत्म हो गया हो, उसको कहते हैं एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट जो खत्म हो चुका है। और अगर कोई प्लांट, अगर कोई एनिमल ऐसा है जो एक्सटिंक्ट होने वाला है, जो रिस्क पे है, यानी अभी खत्म हुआ नहीं है पर बड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा, जैसे बंगाल टाइगर है, पांडा है, जो खत्म होने वाले हैं। अब कहते हैं पूरी दुनिया में सिर्फ 5 लाख पांडा रह गए, सिर्फ 5 लाख खत्म होने वाले हैं, मतलब कि ये रिस्क पे हैं, इनको कहते हैं एंडेंजर्ड, इनको खतरा है खत्म होने के लिए, ये खत्म हो जाएंगे, ये एंडेंजर्ड स्पीशी होते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरह की एग्जाम्पल्स है, पांडा, गोरिला, इसके अलावा स्नो लिपर्ड, बंगाल टाइगर, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं। अच्छा, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, इंसानों ने ऐसा क्या किया है कि बायोडाइवर्सिटी को खतरा है, इंसानों ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, बायोडाइवर्सिटी डेंजर में आ गई है, ऐसा इंसानों ने क्या हरकतें की हैं, उनको ज़रा देखते हैं। सबसे पहली चीज इंसानों ने क्या की है, हंटिंग, शिकार करना। इंसान हंटिंग करते हैं और हंटिंग में फिर कभी कभी ओवर हंटिंग कर लेते हैं, बहुत एक्सेसिवली शिकार करना शुरू कर देते हैं। ओवर हंटिंग की वजह से क्या होगा, किलिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, आप जानवरों को मार रहे हो, वाइल्ड प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ को खत्म कर रहे हो। ठीक है, अब क्या होगा, पीपल थ्रेटन द वाइल्ड लाइफ बाय डैमेजिंग एंड डिस्ट्रॉइंग देयर हैबिटेट। एक तो आप जानवरों को मार रहे हो, ओवर हंटिंग कर रहे हो, दूसरा आप क्या कर रहे हो, दरख्त जंगलात को खत्म कर रहे हो, डीफॉरेस्टेशन कर रहे हो। जंगलात क्यों काटते हो आप? जंगलात इसलिए काटते हो, फर्ज कीजिए आप कोई नई कॉलोनी बनाते हो, एक नया शहर आबाद करते हो, तो आप जंगलात काट देते हो कि वहां पे घर बनाओगे, प्लाजे बनाओगे, तो उन जंगलात में जो एनिमल रहते थे वो कहाँ जाएंगे, वो माइग्रेट कर जाएंगे, वो दूसरी जगह जाने शुरू कर जाएंगे। जब वो माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो माइग्रेशन के दौरान आप उनका शिकार कर देते हो, ओवर हंटिंग करते हो, जिसकी वजह से आप एक तो उनका हैबिटेट तबाह कर रहे हो, ऊपर से उनको ओवर हंटिंग कर देते हो। अच्छा, इसके साथ साथ आप जंगलात को काटते हो, ठीक है, आप उसकी क्या नए रोड्स, खेत बनाते हो, शहर बनाते हो, ये आपके काम है। इसके अलावा माइनिंग करते हो, डैम्स बनाते हो और हैबिटेट को तबाह बर्बाद कर देते हो। तो इस तरह से जो आप काम करते हो, ऐसे क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी बहुत खतरने में आ जाती है। अच्छा, एक और काम होता है, कभी कभी आप न्यू स्पीशीज को ले आते हो, न्यू स्पीशीज, जैसे कि आप एक दरख्त है यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस का जो दरख्त है ना, ये पाकिस्तान का दरख्त नहीं है, ये सफ़ेदे का जो दरख्त है, इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा है, ये आया था ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से इसके बीज लाए गए और पाकिस्तान में इसके बीज उगा दिए गए। अब ये लंबे लंबे दरख्त हैं, ये क्या करते हैं कि ज़मीन का पानी अंदर अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनके आसपास जो बाकी नस्ल के दरख्त होते हैं
उनको पानी नहीं मिलता और वो दरख्त डैमेज हो जाते हैं। तो देखिए दरख्तों की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको आप डैमेज कर रहे हो, ठीक है। तो न्यू स्पीशीज के लाने से मौजूदा स्पीशीज खतरे में पड़ जाती हैं, तो ये प्रॉब्लम आ गई। तो एक तो इंसानों की काम की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मजीद प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि है पॉल्यूशन, गंदगी, आलूदगी, उससे क्या होगा। पॉल्यूशन से आपका इन्वायरमेंट डैमेज होगा, बायोडाइवर्सिटी डैमेज हो जाएगी। जो ग्लोबल क्लाइमेट है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है रैपिडली, मैनी स्पीशीज विल बी अनएबल टू एडजस्ट देयर रेंज एंड मे बिकम एक्सटिंक्ट। जब इन्वायरमेंट को चेंज कर दोगे ना तो मजीद जानवर का रहना वहां पे मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि आपने क्या किया, पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। छोटे छोटे क्रॉप्स पे क्या आते थे, पेस्ट्स आते थे, छोटे छोटे कीड़े आते थे, गंदम के कीड़े या जो पौधों के कीड़े होते हैं, उन कीड़ों की वजह से होता ये कि फिर मुख्तलिफ तरह की बर्ड्स आती, प्रीडेटरी बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये आते और उन कीड़ों को खा के वहां से चले जाते। तो एक निजाम बना हुआ था। आपने क्या कर दिया, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल शुरू कर दिया, कीड़े मार दवाइयाँ, पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल कर रहे हो, तो कीड़े तो खत्म हो गए। तो जब कीड़े खत्म हो गए तो अब ये बर्ड्स नहीं आती, वो जो बर्ड्स की बायोडाइवर्सिटी वो खत्म हो गई है, ठीक है। एक और चीज है डीफॉरेस्टेशन, जंगलात को काटना, इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, अब उनको डिस्कस करते हैं। तो ये जो डीफॉरेस्टेशन है ये क्यों करती हैं, सबसे पहले हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं टिम्बर के लिए, हमें लकड़ी चाहिए। लकड़ी क्यों चाहिए, हमें लकड़ी चाहिए फर्नीचर बनाना है, घर के दरवाजे बनाने हैं, पूरे पूरे घर बनाने हैं टिम्बर के लिए। उसके अलावा आपको जगह चाहिए, एक तो टिम्बर हो गई, दूसरी चीज क्या चाहिए आपको, एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए, आपने फसलें उगानी है, फसलें उगानी है तो फसलें उगाने के लिए जंगलात आपने काट दिए। तीसरी चीज आपको रोड्स चाहिए, आपको एयरपोर्ट्स चाहिए, बड़ी बड़े लैंड्स चाहिए तो जंगलात काट दिए, आपको मकान बनाने हैं, हाउसेस बनाने हैं तो जंगलात काट दिए आपने, ठीक है। ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, आप अर्बनाइजेशन करते रहोगे, नए नए शहर आबाद करोगे और जंगलात को काटते रहोगे। बात यह है कि जब आप डीफॉरेस्टेशन करते हो तो उसका बायोडाइवर्सिटी पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। आप जंगलात काटते हो, ठीक है, आप काट रहे हो, आपके पास वजूहात हैं, आपको लकड़ी चाहिए, आपको ज़राअत करनी है, सड़कें बनानी है, एयरपोर्ट बनानी है, घर बनानी है, तो डिफॉरेस्टेशन तो करोगे। डिफॉरेस्टेशन का क्या असर पड़ता है बायोडाइवर्सिटी पे, जिंदगी पे, इंसानों जानवरों की जिंदगी पे क्या असर पड़ रहा है। देखियो जब आप फॉरेस्ट काट देते हो, फर्ज कीजिए यहाँ पे जंगलात थे, ठीक है, बहुत सारे जंगलात थे, आपने जब जंगलात काट दिए तो जो वहां पे मट्टी थी, जहां पे रेत थी, वो रेत अब जब हवा आएगी ना तो वहां से वो हवा उड़ जाएगी, वो रेत उड़ जाएगी, किसी दूसरी जगह चली जाएगी। इसको कहते हैं सॉइल इरोजन। जब यहां से वो सॉइल हट गई ना तो ये जगह हो गई बंजर, इसकी स्टीराइल इनफर्टाइल लैंड हो गई है, ये बंजर जमीन हो गई है, अब इस पर कुछ नहीं उगता, सॉइल इरोजन हो गई। तो सबसे बड़ा नुकसान क्या है, सॉइल इरोजन का, ठीक है। दूसरी चीज सिल्टिंग अप ऑफ लेक्स, यहां से जब मट्टी उड़ेगी और वो दरियाओं में जाएगी या नदियों में जाएगी तो वो नदियों में कीचड़ जमा हो जाएगा, सिल्ट जमा हो जाएगा, तो नदियां स्टॉप हो जाएंगी, रुक जाएंगी, ठीक है। अब जब यहां पे पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो उससे क्या होगा, सैलाब आना शुरू हो जाएंगे, और सैलाब को रोकने के लिए जंगलात चाहिए थे, जंगलात आपने पहले काट दिए तो सैलाब आएंगे और तबाहियां मचा देंगे, याद रखिए ये बात। अच्छा अब एक दूसरी बात देखें, जो पहाड़ होते हैं, अब जो पहाड़ हैं, पहाड़ों के ऊपर भी तो बहुत सारे पौधे होते हैं, जंगलात होते हैं, अब फर्ज कीजिए आपने उन पौधों को काटना शुरू कर दिया तो उससे क्या होगा, ट्री कैन ग्रो ऑन द हिल साइड इवन वेन सॉइल लेयर इज क्वाइट थिन। ट्रीज उगती हैं पहाड़ों पे, जंगलात होते हैं, दरख्त होते हैं, जब अपनी ट्रीज को काट दिया तो अब क्या होगा, सॉइल वहां से खत्म हो जाएगी, रेत वहां से खत्म हो जाएगी, मट्टी खत्म हो गई, अब रेत वहां से खत्म हो गई है, अब क्या होगा कि जब यहाँ पे हैवी रेनफॉल, जब पहाड़ों के ऊपर बारिशें होंगी तो उससे क्या होगा, वो इस रेत को वॉश आउट कर लेंगे लिवर में, यानी ये पानी इस तरह आएगा नदियों में, और पानी के साथ साथ सारी नमकियात इस तरह नदियों में आएंगी और उससे क्या होगा,
द रिवर्स बिकम चोक्ड अप विद मड एंड सिल्ट, यहाँ पे सारा कीचड़ जमा हो जाएगा और ये रुक जाएंगी, नदियाँ यहाँ पे खत्म, दरिया बंद हो जाएंगे, वहाँ पे सारी तो मट्टी आ जाएगी, विच कैन कॉज, एक तो सैलाब आएंगे। अच्छा, सेडिमेंटेशन, जब ये नीचे इस तरह से जब डैम्स के नीचे रेत जमा हो जाएगी तो उस डैम्स की जो कैपेसिटी है, पहले इसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा होता था, अब नीचे तो सारी सेडिमेंटेशन हो गई है, रेत आ गई है, तो डैम्स की जो पानी स्टोर करने वाली कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, जैसे तरबेला डैम है, मंगला डैम है, ये जो रिजर्वॉयर्स हैं ये बिल्कुल आधे हो जाते हैं, इनकी लाइफ कम हो जाती है। ठीक है, अबाउट हाफ ऑफ द रेन कम्स फ्रॉम ट्रांसपिरेशन ऑफ ट्रीज देमसेल्फ। एक और चीज, ये जो दरख्त थे जिनको आपने काट दिया था, ये दरख्त का फायदा ये था कि इससे ऊपर क्या होती है, ट्रांसपिरेशन होती है और ऊपर क्लाउड्स बनते हैं, और ये जो क्लाउड्स बनते हैं इनसे बारिशें होती हैं। ठीक है, बारिशें होती हैं, ये ट्रांसपिरेशन का अमल होता था जब आपके पास क्या थे, आपके पास दरख्त थे। अब आपने क्या किया है, आपने ये किया कि आपने दरख्त काट दिए तो जो ट्रांसपिरेशन का अमल था वो कम हो गया। द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वाटर, अब उससे क्या हो गया, हैवी रेनफॉल होती थी, आपका इन्वायरमेंट ह्यूमिड था। अब जब आपने फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया है तो रेन का ज़रिया आपने रिमूव कर दिया, ये जो रेन का सोर्स था ये रिमूव्ड हो गया है। तो जब रेन का सोर्स रिमूव्ड हो गया है तो जो क्लाउड कवर इट इज़ रिड्यूस्ड, क्लाउड्स कम हो गए, तो क्लाइमेट बहुत चेंज हो गया, ड्रास्टिक चेंजेस हो गई हैं, बहुत गर्म हो गया है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रेनफॉल बहुत कम हो जाती है, बीमारियाँ फैलना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा इन दरख्तों से आपको मेडिसिन मिलती थी, दरख्त काट दोगे मेडिसिन में कमी आ जाती है। अच्छा, तो दुनिया से मुख्तलिफ तरह के रिसोर्सेज आप ख़त्म कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। तो मैं बात को समराइज कर देता हूँ कि डीफॉरेस्टेशन से क्या क्या नुकसान होता है। डीफॉरेस्टेशन से सबसे बड़ा नुकसान एनिमल्स का है, जानवर ख़त्म होते हैं, फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी डैमेज होती है, इसके अलावा फ्लड्स आते हैं, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज आ रहा है, बायोडाइवर्सिटी तबाह हो रही है। अच्छा, फ्लड्स आते हैं तो डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। लिहाजा बायोडाइवर्सिटी में सबसे बड़ा जो नुकसान आ रहा है, एक तो डिफॉरेस्टेशन से, दूसरा ओवर हंटिंग। डिफॉरेस्टेशन और हंटिंग जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी को तबाह बर्बाद कर रही है। ठीक है, एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड स्पीशीज, इवन पाकिस्तान में देखी जाए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें तबाह हो रही हैं। ठीक है, अच्छा, पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ ऑल्सो एन इशू इन कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको घर तो चाहिए, तो जंगलात को काटना पड़ेगा। अब क्या है कि मुख्तलिफ तरह की गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ तरह के इकदाम लिए हैं कि वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सके, जैसे कि अलग से फॉरेस्ट के लिए फॉरेस्ट्री का डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट ऑफिसर है, फॉरेस्ट गार्ड है, इस तरह हंटिंग डिपार्टमेंट के लिए अलग से जो है डिपार्टमेंट बना हुआ है जो बर्ड्स की हंटिंग को रोकता है, एनिमल्स की हंटिंग को रोकता है, और अगर कोई फॉरेस्ट को काटता है, हंटिंग करता है, तो अलग से उसके कानून बन गए हैं, फौरन से उस पर केस हो जाएगा, उसको थाने में बंद कर दिया जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा, केस हो जाएगा, उस पर सज़ा हो जाएगी। पाकिस्तान में जैसे कि हुबरा बस्टर्ड एक बर्ड है, इसको गोश्त के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब वो एंडेंजर्ड स्पीशी बन चुका है, ख़तरे में आ गया है, तो इसलिए हुबरा बर्ड की जो हंटिंग है बंद करवा दी गई। इंडस डॉल्फिन, ये रिवर इंडस में पाई जाती है, उसकी हंटिंग को बंद कर दिया गया। मार्को पोलो शीप की जो हंटिंग है, खुंजराब की इलाके, गिलगित बल्तिस्तान की साइड पे होते हैं, इसकी हंटिंग को बंद करवा दिया गया है, गैर कानूनी करवा दिया गया। तो इस तरह से मुख्तलिफ गवर्नमेंट लेवल पे इकदाम होते हैं ताकि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके। लिहाजा मैं इस चैप्टर को समराइज कर देता हूँ, क्या पढ़ा इस चैप्टर में कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब है वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि हमारे पास दुनिया में बहुत मुख्तलिफ तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। बायोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम ताकि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा जा सके। फिर बाइनोमियल सिस्टम होता है, जो उसमें लैटिन वर्ड्स होते हैं, जीनस और स्पीशी से आप मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हो। फिर टू किंगडम सिस्टम आई, थ्री किंगडम सिस्टम आई, फाइव किंगडम सिस्टम आई। फाइव किंगडम सिस्टम में मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये जैसी पाँच किंगडम्स हैं।
फिर वायरसेस के बारे में पढ़ा गया कि वायरस किसी किंगडम सिस्टम का हिस्सा क्यों नहीं बन सकता। फिर बायोडाइवर्सिटी को पढ़ा कि जानवर हैं खत्म हो चुके हैं या एंडेंजर्ड स्पीशीज बन चुके हैं, लिहाजा आपने कंजर्वेशन करनी है, अपने लैंड को, बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, डिफॉरेस्टेशन को बचाना है, ओवर हंटिंग को बचाना है। लिहाजा ये इस चैप्टर का समरी थी। नेक्स्ट से हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 और आपकी बुक का एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट से फिर हम सेक्शन 2 को डिस्कस करेंगे।